आपको पता ही है गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में बालों की हालत क्या हो जाती है, हेयर डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हो जाते हैं, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने लगती है, स्मेल आने लगती है बालों में, हेयर बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और चिपचिपापन की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है, हेयर की ग्रोथ रुक जाती है, हेयर ठीक से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, बाल लंबे घने मोटे होंगे, हेयर फॉल कंट्रोल होगा, हेयर रीग्रो करेंगे, हेयर जड़ से मजबूत होंगे। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है और इस रेमेडी से ना आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको 7 डेज में ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये बालों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, सिल्की साइनिंग स्मूथ बनाएगा। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बाउल, ठीक है, एक बर्तन लेना है, उसमें आपको ऐड करना है 2 से 3 चम्मच रोज वाटर। जी हाँ, जो रोज वाटर होता है वो इचिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है, जो स्कैल्प में पसीने की वजह से स्मेल आती है उस स्मेल को दूर करता है और स्कैल्प में नमी बनाए रखता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 2 से 3 चम्मच रोज वाटर ले लेना है। फिर आपको इसमें ऐड करनी है 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होती है वो डैमेज हेयर को रिपेयर करती है, ठीक है ना। हेयर बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हो जाते हैं, 2 मुहे बाल हो जाते हैं, तो ग्लिसरीन डैमेज हेयर को रिपेयर करती है, 2 मुहे बालों की प्रॉब्लम को दूर करती है। तो यहाँ पे आपको इसका 1/2 चम्मच ले लेना है और यह बालों को रीग्रो भी करती है। फिर आपको इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। तो इसमें आपको 1/2 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, साथ ही हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से करता है, हेयर को रीग्रो करता है, हेयर को जड़ से मजबूत बनाता है, पतले हेयर होते हैं उन्हें मोटा करता है, ठीक है ना। तो फिर आपको इसमें ऐड करना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है वो हेयर को चमकदार बनाता है, सुंदर बनाता है और साथ ही हेयर को रीग्रो करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से करता है। फिर आपको करना क्या है, आपको इन सबको मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद आपको इसे स्प्रे बोतल में भर लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप इसे कॉटन की हेल्प से भी अपनी स्कैल्प में और लेंथ में आपको लगाकर छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी लगाकर छोड़ सकते हैं। ओवरनाइट लगाकर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ओवरनाइट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे सुबह नहाने से 1 घंटा पहले लगा लीजिए, तब भी आपको परफेक्ट रिजल्ट देगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लाती रहती हूँ। फिर आपको इसे लगाकर छोड़ देना, लगाने के 1 घंटे बाद आपको अपने हेयर वॉश करने हैं, जो भी शैम्पू आप यूज करते हो। ये गर्मियों की इतनी अच्छी रेमेडी आपकी इचिंग, जो बालों में इचिंग की प्रॉब्लम होती है ना वो दूर हो जाएगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, हेयर फॉल कंट्रोल होगा और हेयर में से धीमी धीमी हल्की हल्की महीन खुशबू भी आएगी और हेयर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, आपके हेयर बहुत ईजी ग्रोथ करेंगे। गर्मियों में बालों को लंबा करने की ये रामबाण रेमेडी। अगर फ्रेंड्स वीडियो चले तो लाइक शेयर करना, अपना फीडबैक हमेशा जरूर शेयर करना। बाय बाय, थैंक यू।